गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम शर्मिला, एसएस टीचर इन सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉपिक फर्स्ट इन योर हिस्ट्री बुक एंड टॉपिक द न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूरोप आफ्टर 1815। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम 1815 में जो यूरोप में चेंजेस किए गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्या था न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम, क्या था यूरोप में आफ्टर द 1815, इसमें स्टार्ट करते। 1815 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होती है वो क्या थी? द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, बैटल ऑफ वाटरलू जो होती है वो किस किस के बीच में फोट होती लड़ी जाती है, तो इसमें क्या आएगा? एक तो आपका क्या आएगा, नेपोलियन, और उसके बाद में जो यूरोप की चार बड़ी पावर होती है, यूरोपियन पावर्स, यूरोप की जो पावर होती है जिसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ओके, नेपोलियन को डिफीट करने के बाद, इन चारों पावर के द्वारा नेपोलियन को डिफीट करने के बाद एक न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम जो यूरोप में सेटअप किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम इन यूरोप आफ्टर द 1815। ओके, तो उसके बाद में क्या था, यहाँ पर क्या होता है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन जो गवर्नमेंट वहाँ पर सेटअप की गई थी वो किसके अंडर में सेटअप थी, कंजर्वेटिज्म के अंडर में। कंजर्वेटिव्स जो होते थे, जो रूढ़ीवादी लोग होते थे, कंजर्वेटिव्स जो होते थे यूरोप में, बिलीव्ड दैट, उनका ऐसा मानना था, एंड एस्टैब्लिश एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोनार्की है, चर्च है, ठीक है ना, इन सभी को क्या किया जाना चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ठीक है? ओके, क्या किया जाना चाहिए, इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ये सारे के सारे सिस्टम को फिर से दोबारा से सेटअप किया जाना चाहिए, मोनार्की को, चर्च को, सभी के हाथ में क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या होता है, 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद ये जो चारों पावर होती हैं, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, एंड हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मेट एट वियना। इनकी जो मीटिंग होती है वो कौन से प्लेस के ऊपर होती है, वियना। ओके, वियना के अंदर इनकी मीटिंग होती है जिसे हिस्ट्री में किसके नाम से मतलब जाना जाता है, वियना कांग्रेस। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन एंड मेट एट वियना टू ड्रॉ अप ए न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप। वियना कांग्रेस में यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट तैयार किया गया था, कौन से कंटिनेंट के लिए, यूरोप के लिए। नेपोलियन को हराने के बाद इन पर्टिकुलर पावर के द्वारा एक न्यू सेटलमेंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर द यूरोप। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाई द, इस कांग्रेस को जो होस्ट करने वाला कौन था, ओके, मैं अभी एक बार इसको, द कांग्रेस या वियना कांग्रेस, कई बार क्वेश्चन ये आता है, वियना कांग्रेस, ठीक है ना, ओके, वियना कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम क्या था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ओके, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक के द्वारा पूरी की मीटिंग को होस्ट किया जाता है। द मीटिंग वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक एंड द डेलीगेट्स, जो यहाँ पर सारे के सारे डेलीगेट्स इकट्ठे हुए, ड्रीव अप द ट्रेटी ऑफ वियना। इनके बीच में ट्रेटी होती है वियना की, कब होती है ये टोटल, ये हमने अभी किया ही है 1815 के अंदर। एंड द ऑब्जेक्टिव, ये अब इसमें आता है, इसका ऑब्जेक्टिव, वियना कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या बनेगा आपकी हेडिंग, क्या बनेगी, मेन ऑब्जेक्टिव द वियना कांग्रेस 1815 में यूरोप में होने वाली जो वियना कांग्रेस थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। चारों जो बड़ी पावर होती है यूरोप की, जिसमें कौन होता है, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, वियना कांग्रेस के अंदर जब मेन ऑब्जेक्टिव द वियना कांग्रेस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस वॉज अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। जो नेपोलियनिक वॉर के ड्यूरेशन में सारे के सारे चेंजेस आए थे नेपोलियन के द्वारा, जो सारे के सारे यूरोप में जो चेंजेस किया था सभी को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ द अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप एंड ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेक्स्ट जो इसमें सबसे बड़ा चेंज था, जो सेकेंड नंबर पे चेंज था इसके अंदर, द बूरबोन जो किंग था जिसका नाम क्या था, लुइस एटीन, जो किसका ब्रदर था, लुइस 16 का, उसको दोबारा से पावर में लाया जाता था। द बूरबोन डायनेस्टी विच हैज़ बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज टू रिस्टोर्ड पावर, उसको पावर में लाया गया जिसको फ्रेंच रिवोल्यूशन के ड्यूरेशन में क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से वो रिस्टोर्ड टू पावर, एंड फ्रांस लोज द टेरिटोरीज,
फ्रांस ने सारे के सारे टेरिटोरी छोड़ मतलब उसके जा चुके थे, लॉस्ट हो चुके थे अंडर द नेपोलियन, जो कभी नेपोलियन के अंडर में उसके पास थे। एंड ए सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रांस एक्सपेंशन इन यूरोप। ए सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रांस एक्सपेंशन इन यूरोप। एंड अंडर अंडर नेपोलियन फ्रांस बहुत ही पावरफुल हो गया था, फ्रांस के सारे टेरिटोरीज उससे लॉस्ट कर लिए गए थे। उसके बाद में फ्रांस की अलग अलग जो सीरीज ऑफ स्टेट है फ्रांस की अलग अलग बाउंड्री पर सेटअप कर दिए गए ताकि इन फ्यूचर में फ्रांस अपना एक्सपेंशन है वो ना कर सके। ओके, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वो सेटअप इन द नॉर्थ। किंगडम और नीदरलैंड और बेल्जियम को क्या कर लिया गया, आपस में मिला दिया गया। एंड जेनेवा वॉज एडेड टू द पीडमांट इन द साउथ। पर्सिया वॉज गिवन द मोर टेरिटोरी ऑन द वेस्टर्न फ्रॉन्टियर्स। जो फ्रांस का जो वेस्टर्न पार्ट था, फ्रांस का जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टेरिटरी किसको मिले थे, पर्शिया को। ठीक है, ओके, पर्शिया को सारे के सारे वहाँ पर टेरिटरीज मिले। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड पर्शिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ इटली। द मेन इंटेंशन, इसकी जो मेन इंटेंशन थी वियना कांग्रेस की, वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की एंड हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो टोटली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, पूरे के पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम को वापस करना, रिस्टोर करना, और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को सेटअप करना, जो पुरानी की पुरानी जो रूढ़ीवादी व्यवस्थाएं थी उनको सेटअप करना, इसका मेन क्या था, ऑब्जेक्ट था। ओके, आई रिपीट अगेन, ये जो मेन चेंजेस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अब मैं रिपीट कर देती हूँ पर दोबारा से। ओके, फर्स्ट ऑफ चेंज क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना कांग्रेस, मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर में होने वाले सारे के सारे चेंजेस को क्या करना था, वापस लेना था फर्स्ट। सेकेंडली क्या होता है, द बूर्बोन किंग विच हैज़ बिन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। सेकेंड पॉइंट है ये आपका। नंबर थर्ड, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटोरीज, फ्रांस ने मोस्ट ऑफ टेरिटोरीज क्या कर दिए, एंड इट हैड अंडर द नेपोलियन। ए सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन नॉर्थ एंड जेनेवा वॉज एडिड टू पीडमांट इन साउथ। पर्सिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटोरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रॉन्टियर एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। ऑस्ट्रिया को किसका पार्ट दिया गया, ऑस्ट्रिया को पार्ट दिया जाता है नॉर्थन इटली। ठीक है, जब हम आपको इटली का यूनिफिकेशन पढ़ाएंगे, नॉर्थन पार्ट ऑफ इटली, नॉर्थन पार्ट इटली का दिया जाता है किसको, दिया जाता है वियना कांग्रेस के अंदर ऑस्ट्रिया को। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बट द जर्मन कन्फेडरेशन। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रह गया था, 39 स्टेट का जो एक जर्मन कन्फेडरेशन था फॉर्म्ड बाई नेपोलियन वॉज अनटच, उसको अनटच छोड़ दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेटअप बाई नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड इन ईस्ट। पर्सिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड पर्सिया वॉज गिवन ए पार्ट ऑफ सेक्सोनी एंड द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाई नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ओके, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आप एक एक पॉइंट उस और इसमें रहता है, जो वहाँ पर न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम जो सेटअप किया गया था उसकी मेन मेन फीचर्स क्या क्या थी। द कंजर्वेटिव सिस्टम वो सेटअप इन 1815 में सेटअप होने वाला कंजर्वेटिव सिस्टम वो ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी मोनार्क के सिस्टम था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड शो टू करप्ट द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द एंड लेगिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द इम्पोज सेंसरशिप, दोबारा से पूरे पूरे यूरोप में सेंसरशिप लागू कर दी गई, सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल एंड वट वॉज सेड इन न्यूज़ पेपर बुक्स प्ले सॉन्ग एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी और जो फ्रीडम के आइडिया जिन पर्टिकुलर न्यूज़ पेपर से या बुक से रिफ्लेक्टेड होते थे उन सभी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, उन पर क्या लगा दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई। ओके, तो आज हमने न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर सिस्टम ऑफ यूरोप इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रिवोल्यूशनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इस वियना कांग्रेस के बाद में जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी को किस प्रकार से कहता कि क्या किया जाता है यूरोप में आगे इंक्रीज किया जाता है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।